बहन सोनिया जी, ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। अरे आपने मुझे अपने घर पे दावत पे बुलाया, चलो ये बात तो ठीक है, लेकिन आपने मेरे सामने कड़वे करेले बना के रख दिए। कड़वे करेले तो मैं खाता ही नहीं हूँ, करेले की सब्जी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसा करो, ये सादा चावली मैं खा लूंगा, करेले मत डालो मेरी थाली में। अरे मोदी जी, कैसी बात करते हो, ये करेले कड़वे तो रही है, बिल्कुल मीठे करेले है। मैंने इन करेलों को बनाते टाइम इनमें थोड़ी सी चीनी शक्कर डाल दी थी, जिसकी वजह से करेले की सब्जी मीठी हो गई है। खाओ। नहीं बहन सोनिया जी, इन कड़वे करेलों को तो मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा। ऐसा करो, योगी जी को, अखिलेश को और राहुल को ये कड़वे करेले खिलाओ, मैं तो नहीं खाऊंगा। अरे जब मैं आपके घर दावत खाने के लिए आया हूँ तो मैं सादा चावल खा लेता हूँ, कोई शिकायत की बात नहीं है। मोदी जी, आप भी बेफालतू की बात करती हो। मम्मी जी ने आप सबके लिए इतने मन से करेले की सब्जी बनाई है, आप करेले खा नहीं रहे हो। योगी जी, अखिलेश, क्या तुम भी करेले नहीं खाती हो? राहुल भैया, मुझे तो करेले बहुत पसंद है। सोनिया जी, एक चम्मच भर के करेले मेरी थाली में डाल दो, चावल के ऊपर डाल दो। बहन सोनिया जी, एक बात बताइए, आपने सब लोगों को खाने के लिए थाली दी है और मेरे सामने पूरा छोटा सा भगोना रख दिया, क्या आपके घर और थाली नहीं है? अरे दावत खाने के लिए मैं भी तो आई हूँ आपके घर, कम से कम थाली में मुझे खिलाती, तुमने तो मेरे सामने भगोना रख दिया। मायावती जी, आप भी बेफालतू की बात करती हो। खाना चाहे थाली में खाओ या भगोने में खाओ, जाएगा तो पेट में ही। सोनिया जी, एक काम करो, करेले की सब्जी मुझे भी पसंद नहीं है, कोई दूसरी सब्जी बनवा लो। योगी जी, एक बात बताओ, अब इतनी जल्दी दूसरी सब्जी कैसे बन जाएगी? और बहन मायावती जी, एक बात बताओ, भगोने में कोई खाने में दिक्कत थोड़ी है? अरे थाली सिर्फ चार ही थी, उन चार थाली में मैंने खाना मोदी जी को, राहुल को, अखिलेश को, योगी जी को दे दिया, पांच भी थाली थी नहीं, इसीलिए मैंने आपको छोटे से भगोने में खाना खाने के लिए दे दिया। खा लो। और प्रियंका तो कैसे गेट पे खड़ी है, जा इन सब लोगों के लिए पानी लेके आ, जलपान करा इनका। बहन सोनिया जी, ये आपने सही किया, प्रियंका जाओ जल ले आओ, बहुत तेज प्यास लगी है खाना खाते वक्त। वैसे बहन सोनिया जी, आपके हाथ के बने हुए सादा चावल भी अच्छे लग रहे हैं। करेले मैं खाता नहीं हूँ, वैसे मैं करेले खा लेता, लेकिन क्या करूँ, खाता ही नहीं हूँ। और बहनों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे भाई मोदी जी, मुझे यहीं पे उतार दो, नहीं तो मैं गिर जाऊंगा, उतार दो मुझे यहीं पे। अरे कहां से मैं तुम्हारी मोटरसाइकिल पे बैठ गया? तुमने तो ये कहा था तीन सवारी बैठा लूंगा मोटरसाइकिल पे, कहां से मैं आधे किराए के चक्कर में फंस गया तुम्हारे साथ? अरे भाई उबैसी जी, तुम्हें आज तक पता ही नहीं है, मोदी जी एक जगह से दूसरी जगह सवारी ढोने का काम मोटरसाइकिल से करते हैं और आधा किराया लेते हैं। जो तुम्हारा एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ऑटो से अगर 100 रुपए का किराया लगेगा तो मोदी जी मुश्किल से 40 रुपए में तुम्हें उस जगह पहुंचा देते हैं, लेकिन भाई सवारी इतनी बैठालते हैं ये, अपनी मोटरसाइकिल पे कम से कम 6-7 सवारी बैठालते हैं ये। लेकिन भाई अखिलेश, ये झूठ क्यों बोल के बैठालते हैं सवारियों को अपनी गाड़ी पे? अरे मुझे भी कुतुब मीनार देखने के लिए जाना था, ऑटो वाला मुझसे 150 रुपए मांग रहा था, इन्होंने बोला 50 रुपए में छोड़ देता हूँ तुम्हें। भाई इस तरीके से 50 रुपए में कुतुब मीनार देखने का क्या फायदा, इससे तो मैं ऑटो से ही 150 रुपए खर्च करके चला जाता। मुझे इन्होंने मोटरसाइकिल की तेल की टंकी पर बैठा रखा है। अरे केजरीवाल, कैसी घटिया बात कर रहे हो, ये बताओ, मैंने तुम्हारा फायदा नहीं कराया है? तुम कुतुब मीनार 150 रुपए में ऑटो से जाते, मैं तुम्हें सिर्फ 50 रुपए में ले जा रहा हूँ, 100 रुपए का फायदा कराया कि नहीं कराया? भाई जिसके पास ऑटो है वो ऑटो से सवारी ढोता है, मेरे पास तो भाई मोटरसाइकिल है छोटी मोटी, उसी से सवारी ढो के गुजारा कर लेता हूँ। अरे अगर एक दो सवारी बैठा लूंगा मैं अपनी मोटरसाइकिल पे, गुजारा हो जाएगा मेरा, तेल का खर्चा भी नहीं पूरा हो पाएगा और चालान होने का डर अलग रहता है। अरे योगी जी, इंस्पेक्टर जी मिल गए, ये चालान काट देंगे। अरे भाई लोगों, अगर ये पूछे कौन हो तुम लोग, ये कहना हम एक ही घर के सब लोग हैं। रोको भाई, रोको रोको रोको। अरे तुम तो वही हो जो परसों मुझे मिले थे और अपनी मोटरसाइकिल पे आज ही की तरह 8-10 सवारी बैठाले हुए थे, लेकिन उस दिन तो तुम ये कह के बच गए थे कि हम सब लोग एक ही घर के भाई हैं और शादी में खाना खाने के लिए इकट्ठा होके जा रहे हैं, आज तो ये बहाना नहीं बताओगे? अरे योगी सर जी, मोदी जी ने यही तो बोलने को बोला है आपसे, कि ये कह देना कि हम सब लोग एक ही घर के आदमी हैं। भाई साहब, हम एक घर के आदमी नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये हमें एक जगह से दूसरी जगह छोड़कर पैसे कमाते हैं हमसे किराया लेकर। अरे भाई साहब, कौन सी मनहूस घड़ी में मैंने आपको अपनी मोटरसाइकिल पे बैठा लिया, तुमने तो पूरा चिट्ठा खोल के रख दिया इंस्पेक्टर जी के सामने, अब चालान नहीं बचेगा, चालान कटेगा ही कटेगा। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।
अरे राहुल, मैंने अपनी बैलगाड़ी के बैलों की रस्सी तुम्हारे हाथ में पकड़ा दी है, सही से पकड़े रहना समझे। अगर बैल दाएं बाएं भागे बता देना, और अपना गांव के मेले में पहुंचने ही वाले हैं, जल्दी जल्दी अपने पैसे निकाल के तैयार रखो, मेरे किराए के पूरे 50-50 रुपए निकाल के तैयार रखो। अरे मोदी जी, 50-50 रुपए ज्यादा ना मांग रहे हो, 50 रुपए में तो हम गाँव का पूरा मेला घूम लेंगे। अरे मैं भी लालू जी की बातों में आ गया, इन्होंने बताया दूसरे गाँव में बहुत भारी मेला लगा है, देखने के लिए चलते हैं। मोदी जी अपनी बैलगाड़ी ले जा रहे हैं, बैलगाड़ी पे बैठा के ले जाएंगे सस्ते किराए पे। लेकिन मुझे क्या पता था तुम एक सवारी से 50 रुपए का किराया लोगे, मैं तो मेला देखने कभी नहीं जाता। अरे भाई मोदी जी, तुमने सवारी भी बहुत बैठा रखी है अपनी बैलगाड़ी में, बिल्कुल बैठा नहीं जा रहा है, हमें तो बिल्कुल पीछे बैठा दिया है, ऐसा लग रहा है कहीं गिर ना जाए। अरे राहुल, इस बार अपना मेले में जाके सबसे पहले तो सर्कस देखेंगे, उसके बाद ऊंचा वाला झूला झूलेंगे, क्योंकि पिछले साल के मेले में अपना ऊंचा वाला झूला नहीं झूल पाए थे। तुम कह रहे थे मुझे डर बहुत लगता है ऊंचे वाले झूले से, इस बार झूलेंगे अपना लोग। नहीं मेरे बेटे राहुल, योगी जी की बातों में मत आना, तू ऊंचा वाला झूला मत झूलना, बहुत डर लगता है उस पे, मैं बचपन में झूली थी। अरे मोदी जी, तुम्हारा ध्यान किधर है, सामने देखो, सामने कोई अपनी बैलगाड़ी रुक पा रहा है, क्या रोक लूं बैलगाड़ी को? रोको भाई, रोको बैलगाड़ी को, रोको। जी सर जी, बोलिए क्या बात है? अरे तुम अपने बैलों की जरा सी भी परवाह नहीं करते हो, इतनी सवारी लाद के ले जा रहे हो अपनी बैलगाड़ी में। अरे सर जी, हम तो बैलगाड़ी में इससे ज्यादा सामान ढोते हैं, हम सब लोग इकट्ठे होके पास के गाँव में मेला देखने के लिए जा रहे हैं, पास के गाँव में मेला लगा हुआ है, आपको मालूम ही होगा। अरे भाई, इस पे सामान ढोने की अलग बात है, तुम इस पर सवारी इतनी बैठाल कर क्यों ले जा रहे हो, मैं तुम्हारा चालान काटूंगा। अरे जी सर जी, कैसी बात करती हूँ, बैलगाड़ी का भी कोई चालान कटता है? हाँ भाई कटता है, मैं काटूंगा तुम्हारी बैलगाड़ी का चालान, अभी काटूंगा। तुमने सामान ढोने वाली बैलगाड़ी को सवारी गाड़ी बना रखा है, कहीं तुम सवारियों से किराया तो नहीं लेते हो? अरे सर जी, ये किराया लेते हैं, 50 रुपए सवारी किराया लेते हैं, ये 50 रुपए में ले जा रहे हैं हमें मेले में। अरे उबैसी जी, कौन सी मनुष्यगणी में मैंने अपनी बैलगाड़ी में तुम्हें बैठा लिया, कटवा दिया मेरी बैलगाड़ी का चालान। माइनों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। वैसे मोदी जी और राहुल, जो मैंने तरीका बताया वो बिल्कुल ठीक है कि नहीं है? टोकरी में मिठाई रखकर गांव-गांव जाकर बेचने का तरीका बिल्कुल ठीक है कि नहीं है? क्योंकि आजकल गांव में दुकान पर तो कोई मिठाई खरीदने के लिए आ नहीं रहा है। अरे योगी जी, बिल्कुल गलत तरीका है तुम्हारा ये टोकरी में मिठाई रखकर बेचने का। अरे मैंने लालच में आज अपने टोकरी में ज्यादा लड्डू भर लिए, वजन की वजह से मेरी गर्दन बैठी जा रही है। योगी जी, गांव-गांव जाकर मिठाई तो भले ही बिक जाती है, लेकिन सर पर टोकरी रखने से थकान भी तो हो जाती है दिन भर में। वैसे अपनी दुकानों पे मिठाई खरीदने के लिए लोग आने क्यों नहीं लगे, क्या बात है? अरे मोदी जी, आएंगे कैसे खरीदने के लिए लोग मिठाई, ये तो तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि अपना लोग देसी घी की मिठाई बताकर वनस्पति घी की मिठाई बेचते हैं। कोई ग्राहक एक बार ले जाएगा, दो बार ले जाएगा, तीसरी बार थोड़ी ले जाएगा, जब उसे पता चल जाएगा कि ये देसी घी की मिठाई नहीं है। सही कह रहे हो राहुल, अपनों ने क्वालिटी में गड़बड़ की, इसीलिए लोगों ने गांव में अपनी दुकान पर आना बंद कर दिया, मेरे लड्डू खरीदना बंद कर दिए, तुम्हारी जलेबी, ये योगी जी तो अपनी बर्फी प्योर दूध की बताते हैं और मैदा की बर्फी बनाते हैं ये। ज्यादा बातें मत बताओ मोदी जी, आप भी तो अपने मोती चूर के लड्डू प्योर देसी घी में बताते हो, लेकिन बनाते हो वनस्पति घी में। चलो योगी जी चुप हो जाओ, कोई अपनी मिठाई खरीदने के लिए आ रहा है लगता है। अरे ये तो कोई पुलिस इंस्पेक्टर है। कोई बात नहीं, आज शुरुआत इन्हीं से करते हैं। रुको भाई, रुको, यहीं पर रुक जाओ। बोलो सर जी, क्या लेना है? लड्डू ले लो, बहुत बढ़िया लड्डू है, प्योर देसी घी के लड्डू। अरे सर जी, लड्डू तो इन्होंने कल बनाए थे, मैं जलेबी तो बिल्कुल अभी ताजी ताजी बना के लाया हूँ, देसी घी में ले लो। अरे तुम दोनों तो दोनों लोग मिठाई अच्छी बता रहे हो, किसकी खरीदूं? अरे इन दोनों की बात में बताओ सर जी, मेरी बर्फी ले लो, ताजी खोए की प्योर दूध की बर्फी है, ये दोनों तो बासी माल बेच रहे हैं कल का। चलो ऐसा करो, तुम तीनों लोग अपनी अपनी मिठाई को अच्छा बता रहे हो, तीनों लोग 100-100 ग्राम लड्डू बर्फी जलेबी दे दो, पहले मैं घर जाके चेक करूंगा किसकी मिठाई ताजी है, बात को कल के आके उसी की मिठाई खरीदूंगा, और जिसकी बासी हुई उसको पैसे नहीं दूंगा, जिसकी ताजी मिठाई हुई उसको पैसे दूंगा मैं। अरे राहुल, योगी जी इन साहब ने तो उल्टा फंस दिया, तीनों की मिठाई बासी है। चलो दे दो 100-100 ग्राम मिठाई और देकर भूल जाओ के पैसे मिलेंगे भी। भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।